So, as I discussed, today we are going to solve some important MCQs on the topic teaching aptitude. There will be around 40 very important MCQs. Keep on noting down the concept if you feel. And yes, keep on commenting the chat, the answers also, as you, if you feel that, you know the answer, okay? So, I'm starting with question number one. Students suffering from this disorder. Students suffering from this disorder have problem in understanding mathematics and numbers, arithmetic operations, etc. The learning disorder is called. ठीक है. Learning disorder भी हमारे UGC NET का एक important topic है under teaching aptitude. तो जिस disorder में students को mathematics, numbers, जोड़ घटाओ, arithmetical operations ये सब में दिक्कत होता है, तो उस लर्निंग डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा डिसकैल्कुलिया. ठीक है, कैलकुलस. कैलकुलस इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और वही टर्म यहाँ पर यूज किया हुआ है, कैलकुलिया. तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं किसका आंसर क्या होगा, डिसकैल्कुलिया होगा. अब देखिए टाइप ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या क्या है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. विल जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन. डिसकैल्कुलिया हमने अभी देखा. ठीक है, दे हैव स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एंड नंबर्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशन एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज डिसग्राफिया. ठीक है, तो ग्राफिया द वर्ड विच वी हैव इज हेयर ग्राफिया. इट इज रिलेटेड टू हैंड राइटिंग. ठीक है, देखिए एक एक टर्म होता है पॉलीग्राफी. पॉलीग्राफी मतलब क्या होता है? पॉलीग्राफी मतलब होता है कि फाइंडिंग आउट द बिहेवियर फ्रॉम हैंड राइटिंग, फ्रॉम फाइंडिंग आउट वट टाइप ऑफ पर्सन ही इज फ्रॉम हैंड राइटिंग. तो दैट स्टडी इज कॉल्ड पॉलीग्राफी. तो एनी वर्ड विच इज रिलेटेड इन विच वी हैव ग्राफ, सो यू कैन रिलेट इट टू हैंड राइटिंग. ओके, इट रिजल्ट इन पुअर हैंड राइटिंग, इनकन्सिस्टेंट स्पेलिंग एंड स्पेसिंग, जैसा कि हमने देखा था तारे जमीन पर. ठीक है, डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया भी वही है, इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन रीडिंग. देखिए यहाँ पर डिसग्राफिया स्पेशली हैंडराइटिंग के लिए है. डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन रीडिंग लाइक इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेटर एंड वर्ड्स, लो फ्लुएंसी एक्सेट्रा. ठीक है, डिसफेजिया. यहाँ पर देखिए फेजिया वर्ड का यूज हुआ है. इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन स्पोकन लैंग्वेज. ठीक है, एंड मार्क इन डिफिशियंसी इन जनरेशन ऑफ स्पीच. बोलने में दिक्कत होती है बच्चों को. ठीक है, और तो देयर इज डेफिशियंसी इन जनरेशन ऑफ स्पीच, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, जनरेशन ऑफ स्पीच नहीं होता, तो उसमें क्या हो जाएगा? डिसफेजिया हो जाएगा. राइट, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. देखिए ये भी हमने देखा है, इसको भी हम एक इनफैक्ट एक टीवी सीरीज से रिलेट कर सकते हैं. ओके, इट इज रिफ्लेक्ट इफ ओके. चलिए, फैमिली मैन में वी हैव सीन दिस हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इट इज रिलेटेड इन डिफिकल्टी इन स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन, कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी. ठीक है, कभी कभी क्या होता है अटेंशन डेफिसिट में, क्या होगा कि अटेंशन डेफिसिट में यू विल हैव प्रॉब्लम इन स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन. ठीक है, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, हमेशा हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ करना है, हमेशा उन्हें एक्टिव रहना है. ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू, क्लास. तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूजीसी नेट, क्लास का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, क्लास के बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं. अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजीसी नेट, क्लास का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्लास का फुल फॉर्म है, क्लास का इन अदर डोमेन्स. ठीक है, क्लास का फुल फॉर्म कुछ अलग हो सकता है, बट आपको जो पढ़ना है अंडर यूजीसी नेट वो है, वो होगा पॉइंट नंबर सी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स. ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी और स्टडीज इन स्कूल्स, ये होगा क्लास का फुल फॉर्म. देखिए क्लास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लिटरेसी. ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी, ये दोनों अलग अलग है एक दूसरे से. ठीक है, दोनों को एक ही नहीं मानना है. डिजिटल लिटरेसी मतलब देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी डिफर्स फ्रॉम डिजिटल लिटरेसी विच इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट और फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है, डिजिटल लिटरेसी मतलब, डिजिटल लिटरेसी मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपके पास कितना नॉलेज है.
ठीक है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट और फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने इन्फॉर्मेशन को कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, कितना ज्यादा आप एक्टिव हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. स्टेटस फॉर डिजिटल लिटरेसी. और कंप्यूटर लिटरेसी मतलब क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी मेजर्स द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स एंड टू मेंटेन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे ऑपरेट. कंप्यूटर लिटरेसी में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाते हैं, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में. जो स्कूल्स में पढ़ाई होती है वो कंप्यूटर लिटरेसी की पढ़ाई होती है. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिलेबस इज एन एनेक्सा टू करिकुलम. नो, हमने देखा ये करेक्ट नहीं है, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं. करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक. सिलेबस इज सेम, ये भी गलत है. ठीक है. सिलेबस इज सेम इन ऑल करिकुलम एजुकेशन होगा. करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल सही है. करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन, बिल्कुल गलत. देखिए, सिलेबस इज एन एनेक्सा टू करिकुलम नहीं है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. करिकुलम बहुत बड़ा होता है. ठीक है. अगर कोई करिकुलम किसी कोर्स के लिए होता है, करिकुलम इज रिलेटेड टू एनी कोर्स. कोई कोर्स आप कर रहे हैं, सपोज आप डिप्लोमा कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं किसी चीज का, तो डिप्लोमा का जो कोर्स होगा वो उसका करिकुलम होगा. ठीक है. और डिप्लोमा के अंदर कोई सब्जेक्ट है. ठीक है. डिप्लोमा के अंदर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है और वो सब्जेक्ट का एक सिलेबस हो सकता है. तो कोर्स के अंदर आया सब्जेक्ट, कोर्स के अंदर आया सिलेबस. ठीक है. सिलेबस उसका एनेक्सा तो नहीं हो गया. करिकुलम इज नॉट सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सिलेबस. ठीक है. अगर कोर्स के अंदर, सपोज डिप्लोमा के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश छोड़िए, आपका एक सब्जेक्ट है साइंस. ठीक है. तो वो साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस हर जहां भी डिप्लोमा हो रहा है वहां पर सेम होगा. ठीक है. लेकिन एज पर द फैसिलिटीज विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड, जो डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज में डिप्लोमा कोर्स अलग होगा, नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स में कुछ एडिशनल एक्टिविटीज होंगे. ठीक है. और अगर बहुत ही रीजनल लेवल छोटा मोटा कॉलेज में डिप्लोमा होगा तो वहां पर ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होगा. तो करिकुलम डिफर कर रहा है, राइट. तो करिकुलम डिफर करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लेकिन जो सिलेबस होता है किसी सब्जेक्ट का, लेकिन सिलेबस जो प्रिस्क्राइब होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी सब्जेक्ट के लिए, वो सेम ही प्रिस्क्राइब होगा. ठीक है. करिकुलम में फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों रहता है. ठीक है. करिकुलम अगर आप डिप्लोमा में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, आपसे आपके प्रोजेक्ट होंगे, आपसे वर्क, आपसे कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाएगा, आपको कुछ इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप करनी होगी, तो वो सब कुछ किसमें इंक्लूडेड है? करिकुलम इंक्लूडेड है. तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होगा. करिकुलम इंक्लूड्स द मेथड ऑफ इवेल्युएशन. कंक्लूड्स में ये भी बताता है करिकुलम में कि आपका इवेल्युएशन कैसा होगा, फॉर्मेटिव कब कब होगा, समेटिव कब कब होगा, डायग्नोस्टिक कब कब होगा, वो सब कुछ बताया जाता है किसमें? करिकुलम में. ये गलत हो जाएगा. ये मैं ऑलरेडी मैं ये बता चुकी थी. ठीक है. देखिए, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम में क्या हो जाएगा? सिलेबस इज डिस्क्राइब्ड एज समरी ऑफ टॉपिक्स कवर्ड और यूनिट्स टू बी टॉट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया. करिकुलम रिफर्स टू ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स. ठीक है. करिकुलम का मतलब होता है ओवरऑल कंटेंट जो कि आपको एक कोर्स में कराया जाएगा. और देखिए, सिलेबस ग्रीक ओरिजिन है, करिकुलम एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है. ओके. करिकुलम का वाइडर स्कोप होता है सिलेबस से, बिल्कुल क्लियर. अगर आपको करिकुलम क्या है पता चल जाएगा तो आप ये ऑब्वियसली पता कर लोगे. ठीक है. उसके बाद, सिलेबस इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट बाय टीचर्स सो दैट दे कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. ओके. सिलेबस पढ़ाया जाता है कि ठीक है, साइंस पढ़ना है, उसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 देयर आर सच एंड सच टॉपिक, दैट्स इट. ऑन द अदर हैंड, नॉर्मली द करिकुलम इज नॉट मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर. सिलेबस जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होता है, हमें फटाफट टीचर्स आके सिलेबस बता देते हैं. पर करिकुलम बता दे सारा कुछ जरूरी नहीं. करिकुलम में मेथड ऑफ इवैल्यूएशन भी रहता है, क्या क्या काम कराना है, टीचर्स को पता रहता है. टीचर्स करिकुलम के हिसाब से अपना बच्चों को पढ़ाते हैं. सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, बिल्कुल सही है. डिस्क्रिप्टिव करिकुलम इज प्रस्पेक्टिव इन नेचर. करिकुलम में टीचर्स को बताया जाता है कि आज आपको की चैप्टर 1 में आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, चैप्टर 2 में आपको लैब में भी कुछ चीजें बना के दिखानी है, चैप्टर 3 में आपसे को बच्चों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं कि उनको समझ में आया कि नहीं. तो करिकुलम प्रिस्क्राइब करता है कि टीचर्स को क्या क्या करना है. सिलेबस इज सेट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट अनलाइक करिकुलम,
विच कवर्स अ पर्टिकुलर कोर्स और स्टडी आवर प्रोग्राम. ठीक है, सिलेबस तो बस वही है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही होता है. सिलेबस इज प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स, जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी चलिए. कन्वर्सली अ करिकुलम इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट और स्कूल और कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, करिकुलम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है. स्कूल का बोर्ड, कॉलेज का बोर्ड जिससे एफिलिएटेड है, वहां वो लोग करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. अब देखिए कौन सा टर्म है, कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम टीचिंग, ये सबसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है. कोऑपरेटिव लर्निंग में अ स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन कॉमन टास्क और लर्निंग एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड हैंडल थ्रू ग्रुप वर्क. बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव लर्निंग में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में काम करते हैं. ठीक है, दैट आर बेस्ट हैंडल थ्रू ग्रुप वर्क. कभी कभी स्कूल्स में प्रोजेक्ट मिलते हैं ना कि कोई फेयर है, एजुकेशनल फेयर में कोई 10 बच्चे ग्रुप में कुछ उनको प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. ठीक है, कि थर्मल पावर स्टेशन कैसे काम करता है, तो बस वो कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया. बिल्कुल सही है, स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप कंटेनिंग 2 to 5 मेंबर्स. बिल्कुल सही है. ठीक है, 5 बच्चे मिलके एक फेयर में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एजुकेशनल फेयर में, हाउ थर्मल पावर प्लांट इज वर्किंग. बिल्कुल सही है, स्टूडेंट यूज कोऑपरेटिव प्रो सोशल बिहेवियर टू अकम्प्लिश देयर कॉमन टास्क और लर्निंग एक्टिविटीज. करेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. स्टूडेंट्स आर पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट. ठीक, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं इन अ पॉजिटिव वे, कुछ सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट स्टूडेंट्स नीड ईच अदर टू अकम्प्लिश देयर कॉमन टास्क और लर्निंग एक्टिविटीज. बिल्कुल सही है, तो आई होप इस एग्जाम्पल और ये स्टेटमेंट के थ्रू आपको कोऑपरेटिव लर्निंग समझ में आ गई होगी. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. ओके, देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग वन ऑफ द बेस्ट रिचेस्ट ऑफ रिसर्च ऑफ ऑल टीचिंग स्ट्रेटेजीज. द रिजल्ट शो दैट स्टूडेंट हु हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क कोलैबोरेटिवली लर्न फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली. अगर आप एक प्रोजेक्ट अगर बना रहे हो अपने कुछ 6 लोगों के साथ कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, यू विल रिमेम्बर इट लाइफ टाइम. राइट, यू विल लर्न फास्टर, यू विल रिमेम्बर इट लाइफ टाइम कि आपने किस तरीके से टर्बाइन बनाया था, किस तरह से वाटर फ्लो करवाया था, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी. राइट, आपको हमेशा याद रहेगा. दे हैव ग्रेटर रिटेंशन. बिल्कुल, दे फील मोर पॉजिटिव अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस. बिल्कुल, यू कैन रिलेट टू इट. इट इज अ वे फॉर स्टूडेंट टू लर्न एसेंशियल इंटरपर्सनल लाइफ स्किल्स. जब 6 लोग आपस में बात करते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो क्या होता है, एक लाइफ स्किल भी डिस्कस होती है, एक डेवलप होती है. ठीक है, एंड टू डेवलप द एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिव. टीम वर्क कैसे करना है, साथ में कोलैबोरेट होकर वर्क कैसे करना है, ये स्किल भी डेवलप होती है, विच इज नाउ ग्रेटली इन डिमांड इन वर्क प्लेस में. अगर आप बताएंगे कि आपने कोलैबोरेशन किया है, आपके पास इंटरपर्सनल लाइफ स्किल्स है, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है. इट इज अ वे फॉर स्टूडेंट टू टेक टर्न्स विद डिफरेंट रोल्स सच एज फैसिलिटेटर, रिपोर्टर, रिकॉर्डर. बहुत तरह का रोल एक स्टूडेंट प्ले करता है अगर वो प्रोजेक्ट बनाता है कुछ ऐसा, एंड दैट इज अ An example of cooperative learning. Okay. Next question number 5. DAS can be defined as a group of 2 or more teachers working together to plan, conduct, and evaluate the learning activities for the same group of learner. ठीक, देखिए इसका आंसर हो जाएगा टीम टीचिंग. ठीक, देखिए टीम टीचिंग में क्या होता है, ग्रुप टीचिंग में नहीं होगा. ग्रुप टीचिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ. माइक्रो टीचिंग इज देयर, हम इसके बारे में आगे देखेंगे. कम्युनिकेटिव टीचिंग भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कम्युनिकेटिव टीचिंग इज ऑलवेज कम्युनिकेटिव, ये बस कंफ्यूज करने के लिए. टीम टीचिंग में क्या होता है कि 2 or 2 से ज्यादा टीचर होते हैं, वो साथ में काम करते हैं, तो साथ में काम करके प्लान करते हैं, कंडक्ट करते हैं और इवेलुएट करते हैं लर्निंग एक्टिविटीज फॉर द सेम ग्रुप ऑफ लर्नर. कभी कभी क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा वास्ट हुआ, तो उसके लिए 2 या 3 टीचर्स को रख लिया जाता है और वो तीनों टीचर्स मिलकर के प्लान करते हैं, तीनों साथ में पढ़ाते हैं, तीनों साथ में इवेलुएट करते हैं. ठीक है, तीनों का अपना अपना रोल होता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को अच्छा से समझा देना है. तो दैट इज व्हाट इज टीम टीचिंग. ठीक है, देखिए टीम टीचिंग के बारे में देखिए क्या क्या है. टीम टीचिंग आइडिया ओरिजिनेटेड इन USA इन 1954. ठीक है, करीब 60-70 साल पुराना आइडिया है ये. एंड इट फाउंड इट्स वे टू डेवलप कोर्सेज. इन सिंपल वर्ड्स, टीम टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर ऑल टीचर्स ऑफ अ सब्जेक्ट कलेक्टिवली टीच क्लास इन दैट सब्जेक्ट. ठीक है, जितने भी टीचर हैं सब साथ में मिलकर के बच्चों को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को. देयर आर सम डेफिनेशन बाय एजुकेशनिस्ट. टीम टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव टीचिंग और टीचिंग स्ट्रेटेजी.
कोलैबोरेटिव टीचिंग भी बोला जाता है टीम टीचिंग को. देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. द प्लान ऑफ टीम टीचिंग इज फ्लेक्सिबल. टीचर डिसाइड देयर एक्टिविटीज देमसेल्फ इन टीम टीचिंग. टीचर डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन क्या क्या काम कर रहे हैं टीम टीचिंग करेंगे. तो हो सकता है कोई इवेल्युएट करेगा, कोई ड्रॉइंग बनाएगा ब्लैक बोर्ड पर, और कोई एक्सप्लेन करेगा. ठीक है. इन टीम टीचिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट फॉल ऑन वन टीचर बट इज शेयर्ड बाय अदर्स टू. ठीक है. इन टीम टीचिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक ऑफ वन सब्जेक्ट इज टॉट बाय टू और मोर टीचर्स. बिल्कुल सही है. इन टीम टीचिंग प्रोसेस द नीड्स ऑफ पीपल द स्कूल एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आर ऑल्सो कंसिडर्ड. टीम टीचिंग में क्या होता है, बहुत अच्छे से जो बच्चे हैं उनकी जरूरत को बहुत अच्छे से समझा जाता है. ठीक है. स्कूल में क्या क्या रिसोर्सेस है, ठीक है, उसको भी कंसिडर किया जाता है अच्छे से. ठीक है. All the teachers involved in team teaching plan teaching cooperatively and executed cooperatively. In spite of this, evaluation is also done on cooperative basis. इसमें क्या होता है, टीचिंग का प्लान, टीचिंग का एग्जीक्यूशन और टीचिंग का इवेल्युएशन तीनों ही साथ में होता है. टीम टीचिंग बेस्ड ऑन कॉपरेशन, यस. इन दिस टाइप ऑफ टास्क टू और मोर टीचर पार्टिसिपेट इन टीचिंग. बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स में बताना है कि ये क्या है. ठीक है. इट इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर. देखिए एक बार यूजीसी नेट में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग मेथड. बस इतना ही पूछा गया था यूजीसी नेट में. दैट्स इट. ये क्वेश्चन आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केल डाउन टीचिंग मेथड. तो देखिए थोड़ा हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखते हैं. इट इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन विच अ टीचर टीचेस टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 to 10 स्टूडेंट. स्केल डाउन मतलब कोई चीज जो मतलब एक बड़े तौर पर हो रही है उसको हम छोटे तौर पे करवा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज स्केल डाउन. तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाता है, 5 या 10 बच्चे को पढ़ाता है फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स. ठीक है. इट इज टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट हेल्प्स द ट्रेनी टीचर टू मास्टर द टीचिंग स्किल्स. आंसर होगा माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक टीचर होता है वो 5 या 10 बच्चे को पढ़ाता है 5 या 10 मिनट के लिए, थोड़ा देर के लिए बस पढ़ाता है. और वो मेनली ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है. ठीक है. तो टीचर को पढ़ाने आ रहा है कि नहीं, वो ठीक से समझा पा रहा है कि नहीं, इन सब चीज को चेक करने के लिए हम माइक्रो टीचिंग भी करते हैं. और देखिए माइक्रो टीचिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है हम लोग देखेंगे. माइक्रो टीचिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन 1961. ये भी उतना ही पुराना है लगभग कॉपरेटिव टीचिंग के जितना. या बाय डॉइट एलन एंड हिज कोवर्कर. It implies micro element that systematically attempts to simplify the complexity of teaching process. ठीक है. देखिए micro teaching is a scaled down sample of teaching. Just as driver will not give his first lesson to a learner on a highway where there is continuous flow to traffic, so a pupil teacher should not be exposed to a real situation even in a beginning. ठीक है. जैसे ही आप अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आप तुरंत आप रनवे में जाकर के गाड़ी नहीं चलाएंगे, राइट. आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप रनवे में जाकर के गाड़ी चलाएंगे, कार चलाएंगे. उसी तरह वही चीज है कि जो टीचर होता है उसको रियल क्लासरूम सिचुएशन में तुरंत एक्सपोज नहीं किया जाता है. माइक्रो टीचिंग में उसे थोड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसके बाद एक माइक्रो टीचिंग का एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे उसे क्लासरूम में इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. फिर देखिए माइक्रो टीचिंग के कुछ फीचर्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए. माइक्रो टीचिंग जनरली क्या होता है, लेस रिस्की होता है क्लासरूम से. ठीक है. वेयर मिस्टेक्स मे बी मेड विदाउट डैमेज टू पीपल्स टू हिम. ठीक है. गलती हुई तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी माइक्रो टीचिंग में. इट प्रोवाइड्स टीचर विद प्रैक्टिस फॉर टीचिंग इन द नॉर्मल टीचर को प्रैक्टिस होती है टीचिंग की और जो नॉर्मल चीजें होती है वो रिड्यूस हो जाती है. क्या क्या चीज रिड्यूस होता है, देखिए लेंथ ऑफ लेसन रिड्यूस होता है. ठीक. पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाना होता, छोटा टॉपिक पढ़ाना होता है, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. स्कोप ऑफ लेसन, लेंथ ऑफ लेसन रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली स्कोप ऑफ लेसन भी रिड्यूस होगा और लेंथ ऑफ लेसन रिड्यूस होगा तो क्लास टाइम भी रिड्यूस होगा. ठीक है. ये चारों चीजें रिड्यूस होती है माइक्रो टीचिंग में. ऑप्शन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूस्ड इन माइक्रो टीचिंग, और कोई भी एक रहेगा तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है. इसका फीचर्स आप समझ ही गए होंगे, डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स. ओके. साइज एंड टॉपिक ऑन साइज ऑफ क्लास इज रिड्यूस्ड. हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग. ठीक है. एक टीचर को हम यहाँ पर क्या होता है कि फोकस करते हैं एक टीचर पे कि वो 10 मिनट के लिए पढ़ा रहा है, वो कैसा पढ़ा रहा है कि नहीं. तो ये हाईली इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस. हाँ देखिए माइक्रो टीचिंग का यूज हम क्योंकि टीचर ट्रेनिंग में कर रहे हैं तो 10 मिनट हम ऑब्जर्व करते हैं टीचर ने कैसे पढ़ाया, उसके बाद हम फीडबैक भी देते हैं.
कि आप रेडी हो फुल्ली क्लासरूम टीचिंग के लिए या आप रेडी नहीं हो फुल्ली क्लासरूम टीचिंग के लिए, ये हम फीडबैक देते हैं। और इससे एक अच्छे टीचर्स प्रिपेयर होते हैं, कॉम्पिटेंट टीचर प्रिपेयर होते हैं, उन्हें कॉन्टिन्यूसली फीडबैक मिलता है, तो जब वो क्लासरूम टीचिंग में जाते हैं तो वो काफी अच्छे टीचर बनते हैं। ठीक है, हु इज नोन एज फादर ऑफ आइडियलिज्म, देखिए फादर ऑफ आइडियलिज्म की बात हो रही है, तो फादर ऑफ आइडियलिज्म किसे बोला जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, प्लेटो। ठीक, देखिए आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, तो मैं बेसिकली आपको बता दूंगी अभी कि आइडियलिज्म मतलब क्या होता है, कि फोकसिंग ऑन आइडियाज। ठीक है, और आइडियाज क्या होते हैं? आइडियाज वो चीजें होती है जो हम फील नहीं कर सकते, जो हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि एक्चुअली रियली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो बस हमारे दिमाग में है। तो ये जो आइडियलिज्म का फिलॉसफी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देयर आर सम फिलॉसफीज, सम डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो उसमें से एक आइडियलिज्म भी हमारे सिलेबस में है। तो देखिए आइडियलिज्म क्या होता है देखते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है बट इंटरेस्टिंग है। देखिए आइडियलिज्म प्लेटो पे बेस्ड है। आइडियलिज्म बताता है कि जो हमारे आइडियाज है वो यूनिवर्सल है, इटर्नल है, अनलाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू अल्टरेशन। फिजिकल ऑब्जेक्ट टूट सकते हैं बट हमारे आइडियाज जो है वो हमेशा के लिए रहते हैं, हमारे आइडियाज यूनिवर्सल है। तो आइडियलिज्म बताता है कि जो पढ़ाई के टेक्निक होनी चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए, वो मैटर, इट शुड बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइंड। जो पढ़ाई होना चाहिए वो सीधा डायरेक्ट आपके माइंड पे होना चाहिए। ठीक है, द करिकुलम should be based on a matter of mind like literature, history, philosophy, religion, ठीक है। टीचिंग मेथड को कहाँ फोकस करना है? टीचिंग मेथड को फोकस करना है कि हम आइडिया को कैसे हैंडल करें। ठीक है, लेक्चर डिस्कशन के थ्रू हम आइडियाज को कैसे जनरेट करें या फिर आइडियाज को कैसे हैंडल करें जो स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है। ठीक, तो आइडियलिज्म कई बार आता है कि ऑप्शन ऐसे आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्लियरली समझेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो आइडियलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, द आइडियाज आर ओनली द ट्रू रियलिटी। आइडियलिज्म बोलता है कि सब चीज तो टूट सकता है, ठीक है, जो लेकिन आइडियाज टूट नहीं सकते। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन ब्रेक, फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन डिस्ट्रॉय, राइट, लेकिन क्या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता? आइडिया। तो आइडिया को ही हम सुप्रीम मानते हैं, उसे ट्रू रियलिटी मानते हैं। टीचिंग मेथड को हम बोलते हैं कि टीचिंग मेथड जो है वो आइडियाज को हैंडल करे, जैसा कि मैंने अभी बताया, थ्रू लेक्चर डिस्कशन, ओके, एंड टू हेल्प द स्टूडेंट डिस्कवर एंड क्लेरिफाई नॉलेज। जो नॉलेज है स्टूडेंट के आइडियाज में जानी चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डिस्कवर एंड डेवलप इच इंडिविजुअल्स एबिलिटीज एंड फुल मोरल सुपीरियोरिटी इन ऑर्डर टू बेटर सर्व द सोसाइटी। कि एक बच्चे को, हम स्टूडेंट को एक सोसाइटी का डिपेंडेंट अच्छा मेंबर बनाए, तो उसका पूरा का पूरा मेंटल एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, मोरल सुपीरियोरिटी उसमें होनी चाहिए। व्हेन यू आर आइडियलिस्टिक, अगर आपका आइडियलिस्टिक अप्रोच होगा तो आपके दिमाग में है, ठीक है, तो यू ड्रीम ऑफ परफेक्शन। ठीक है, आप आइडियाज को सुप्रीम मान रहे हो, तो यू थिंक दैट कि जो भी होगा अच्छे से हम करें। यू ड्रीम ऑफ परफेक्शन वेदर इन योर सेल्फ और अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव द आइडियलिस्टिक गोल ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड टू चाइल्डहुड पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। आप सोच सकते हैं कि इन दुनिया में जितना भी चाइल्डहुड पॉवर्टी है सबको खत्म कर दें। द ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्टिक डिस्क्राइब समवन हुज प्लान और गोल्स ऑफ हेल्पिंग अदर्स आर लॉफ्टी, ग्रैंड एंड पॉसिबली अनरियलिस्टिक। हाँ, तो किसी भी एक आइडियलिस्टिक पर्सन जो है, आइडियलिस्टिक जो पर्सन है उसको कौन कौन सी एडजेक्टिव डिफाइन कर सकती है, मतलब आइडियलिस्टिक पर्सन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, कि उसका प्लान, कि उसके दिमाग में ये गोल होगा कि हम दूसरों के हेल्प करें, बहुत ज्यादा हेल्प करें, जितना भी अच्छे से हो सके उतना ज्यादा हेल्प करें, एकदम अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी होगी उसकी। ठीक है, जैसे कि हम पूरे चाइल्डहुड में जितना भी पॉवर्टी सबको एंड कर दे, जो भी आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव का बच्चा कोई भी अगर सपना रखेगा तो वो रियल सिचुएशन जो है उसको ध्यान में नहीं रखेगा, उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि हाँ हम के दुनिया में पॉवर्टी हमेशा के लिए खत्म कर दें, माल न्यूट्रिशन हम हमेशा के लिए खत्म कर दें, क्योंकि वो प्योर आइडिया को कंसीव कर रहा है, राइट। दुनिया में क्या क्या मटेरियल चीजें है उसको हम रियलिटी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये टॉपिक समझना थोड़ा मुश्किल है बट आसान है। ठीक, नेक्स्ट, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग ऑफ एरिस्टोटल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट। एरिस्टोटल की फिलोसफी में बेस्ड क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रियलिज्म। ठीक, अब देखिए एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने बोला कि आइडियलिज्म का ठीक अपोजिट बोला, एरिस्टोटल ने बोला कि सच्चाई तो वही है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसे देख रहे हैं, हम उसे टच कर पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं। प्लेटो जी ने क्या बोला कि जो हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, हम जो सोच रहे हैं वो कभी खराब नहीं होगा। तो आइडिया इज सुप्रीम रियलिटी, हमें पढ़ाते समय आइडिया पे फोकस करना चाहिए। पर एरिस्टोटल जी ने बोला कि नहीं, एरिस्टोटल जी ने बोला कि रियलिटी वो है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए, देयर आर फोर स्कूल्स ऑफ थॉट, हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म इज बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ एरिस्टोटल, रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। उन्होंने, एरिस्टोटल जी ने कहा कि प्लेटो जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन माइंड है तो अपना ह्यूमन माइंड है वो तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, रियलिटी भी एग्जिस्ट करता है, चीजें एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है, हम किसी चीज को छू रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज को हम ध्यान ना दें, हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो अरिस्टोटल जी ने बोला कि, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अगर हम रियलिज्म को कंसिडर करके पढ़ाई करें तो रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर शुड बी टू प्रेजेंट मटेरियल सिस्टमेटिकली, इनकरेज द यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड बी इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल। ठीक है, चीजों का यूज करने सिखाना चाहिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि थर्मल वाटर पावर प्लांट, तो अगर रियलिटी ने कुछ देख रहे हैं तभी तो थर्मल वाटर पावर प्लांट हम जनरेट किए हैं, कि हम देख रहे हैं कि हाँ कि किस तरीके से टर्बाइन के थ्रू जो वाटर है उससे हम उसके वाटर से हम टर्बाइन को रोटेट कर सकते हैं और उस रोटेशनल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको ऑब्जर्व किए तब ना हम किए रियलिटी को, राइट। द टीचर ऑर्गेनाइजेज एंड रिप्रेजेंट कंटेंट सिस्टमेटिकली विद इन द डिसिप्लिन डेमोस्ट्रेटिंग यूज ऑफ क्राइटेरिया इन मेकिंग डिसीजन। ठीक है, ओके, स्टूडेंट मस्ट ऑल्सो डेमोस्ट्रेट द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड साइंटिफिकली यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, रियलिटी में हम ऑब्जर्व करते हैं, रियलिटी में हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं। देखना, सुनना, समझना, देखना और सुनने में मतलब हमारे आईज का हमारे काम हो रहा है, हमारे ईयर्स का काम हो रहा है, हमारे माइंड का काम होता है समझने में। ये रियलिज्म माइंड को इग्नोर नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि चलो ठीक है, वी विल सी एंड वी विल थिंक ऑल्सो, वी विल अंडरस्टैंड ऑल्सो यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसीलिए रियलिज्म में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस होता है। और करिकुलम कैसा डिजाइन होना चाहिए, करिकुलम शुड बी साइंटिफिकली अप्रोच्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड, कैरेक्टर इज डेवलप्ड, ट्रेनिंग ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। सिंपली ये है कि टीचिंग मेथड को इस तरह से बनाना है कि आप फैक्ट्स को भी समझे, ठीक है, कि टर्बाइन कैसे रोटेट कर रहा है, फैक्ट्स को समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है, ठीक है, और फैक्ट्स को समझे और अपना बेसिक स्किल डेवलप करे थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपीरियंस एंड रिसाइटेशन। ठीक है, नॉट एक्सपीरियंस, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात आ जाएगी प्रैग्मेटिज्म में। ओके, अब यहाँ पर बात होती है, रियलिज्म में बात होगी किसकी, डेमोन्स्ट्रेट कर किया जाएगा उससे आपको सीखना है, एक्सपेरिमेंटेशन से सीखना है, ऑब्जर्वेशन से सीखना है, ये तीनों कीवर्ड है इसमें। ठीक है, अपने आईज ईयर को यूज करते हुए माइंड के थ्रू सीखना है, दैट इज व्हाट इज रियलिज्म, दैट्स इट। विच स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड वी लर्न बेस्ट थ्रू अप्लाइंग अवर एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात हो गई है, इसका आंसर हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म। देखिए, प्रैग्मेटिज्म और एक तरह से ज्यादा है रियलिज्म से। आइडियलिज्म में बोला कि रियलिटी तो सब टूट जाएगी, आइडिया सुप्रीम है। रियलिज्म में बोला कि ठीक है, आइडिया सुप्रीम है पर हम रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें रियलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करके, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखना है। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म में क्या बोला कि ठीक है, आइडियाज भी है, ठीक है, रियलिटी भी है, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, रियलिटी बार बार चेंज कर रही है, रियलिटी जो है वो चेंज कर रही है। तो रियलिटी चेंज कर रही है तो हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए कि हमें अपना एक्सपीरियंस को अप्लाई करना है ताकि रियलिटी जब भी चेंज हो तो हम ही मतलब अडॉप्ट कर सकें उस रियलिटी अगर चेंज होती जाए तो।
ठीक है, नथिंग इज कॉन्स्टेंट, रियलिटी चेंजेस, इसीलिए हमें अपना एक्सपीरियंस का यूज करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे टीचर की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज गेन करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, ताकि हम चेंजिंग रियलिटी से हमें फर्क ना पड़े, ठीक है। तो देखिए यही है प्रैग्मेटिज्म, और चेंजिंग रियलिटी में जो जो प्रॉब्लम आए उसको हम सॉल्व कर सके, ये बताते हैं क्या प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। बस यही यहाँ पे डेफिनेशन तो दिया हुआ, रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड दैट वी लर्न बेस्ट थ्रू अप्लाइंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। या अबाउट प्रैग्मेटिज्म इज बेस्ड ऑन द थॉट ऑफ अ नंबर ऑफ 19th सेंचुरी, बहुत सारे फिलोसोफर थे, इसमें कोई एक नहीं, बिलीव दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर एग्जाम में ये भी आता है तो आपको टिक क्या करना है, प्रैग्मेटिज्म, दैट वी लर्न बेस्ट थ्रू अप्लाइंग आवर एक्सपीरियंस एंड थॉट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रैग्मेटिक टीचर्स फोकस ऑन हैंड्स ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए कीवर्ड्स पकड़िए, आपको याद रहेगा, अगर हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और जैसे जैसे प्रॉब्लम चेंज होगा आपका तरीका सॉल्विंग का चेंज होता रहेगा, तो क्या होगा कि आपको इस तरह से आपको टेक्निक समझ में आएगा, ठीक है। स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप इन अ हाईली इफेक्टिव टीचिंग मेथड, ओके। प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट लर्नर्स शुड अप्लाई देयर नॉलेज टू रियल सिचुएशन थ्रू एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, बिल्कुल सही है। प्रैग्मेटिज्म में बताता है कि टीचिंग ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो नॉलेज है वो रियल सिचुएशन में अप्लाई हो सके थ्रू एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, कि रियल सिचुएशन कैसा भी हो, ठीक है, चेंज होता रहे, हमें बच्चों को इस तरह से इक्विप करना है नॉलेज से कि जो भी रियल सिचुएशन हो, जैसा भी रियल सिचुएशन हो, वहां पे अपना नॉलेज का एप्लीकेशन कर सके। प्रैग्मेटिज्म करिकुलम इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड एंड वैल्यूज आर सिचुएशनल और रिलेटिव, ठीक है, ओके। या सो आई होप दिस प्रैग्मेटिज्म इज क्लियर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन परसेप्शन एंड क्रिएट देयर ओन रियलिटीज, ठीक है। अब देखिए, अब आइडियलिज्म देख लिया हमने, रियलिज्म देख लिया, प्रैग्मेटिज्म देख लिया, हमारा आंसर हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बोलता है कि ठीक है, रियलिटी भी है, आइडिया भी है, रियलिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, ये बताया कौन सा, प्रैग्मेटिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म बोला कि ये सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इससे भी सुप्रीम एक चीज है, वो है हम, ह्यूमन इट्सेल्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंड इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें बाद में आएगी कि माइंड क्या है और रियलिटी क्या है, रियलिटी चेंज करी, पहले हमें अपने आप को डिस्कवर करना है, हमें अपने आप को फाइंड आउट करना है। इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन परसेप्शन एंड क्रिएट देयर ओन रियलिटीज, जो इंडिविजुअल है वो अपने हिसाब से अपना परसेप्शन क्रिएट करेगा, इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपना आइडिया क्रिएट करेगा, इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपनी रियलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियल बताया कि हम सबसे सुप्रीम क्या है, इंडिविजुअल अपना है, उसी के हिसाब से ही आइडियलिज्म, उसी के हिसाब से रियलिज्म, और उसी के हिसाब से प्रैग्मेटिज्म क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ जीन पॉल सार्टर, ओके। इंडिविजुअल इंटरप्रेट द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन परसेप्शन एंड क्रिएट देयर ओन रियलिटी, जो जो हमने पढ़ा ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, हर किसी का आइडिया अलग अलग हो सकता है, हर किसी का रियलिटी का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर इन दिस इज लर्नर सेंट्रिक फिलोसफी इज टू बी अ फैसिलिटेटर, ठीक है। लर्नर जो है वो फैसिलिटेट करेगा, उसे रटवाएगा नहीं, उसको फैसिलिटेट करेगा कि भाई तुम अपने से सोचो, ठीक है, तुम अपने से सोचो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके दिमाग को ओपन करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ताकि उसका इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल थिंकिंग डेवलप हो, जिससे वो इंडिविजुअल अपना खुद का एक आइडिया बना सके, ठीक है। द बेसिस ऑफ फिलोसफी इज ट्रस्ट बिटवीन टीचर एंड लर्नर, एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलोसफी क्या होती है इसकी, कि ट्रस्ट हो टीचर और लर्नर के बीच में, क्यों वो बताएंगे। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर थॉट फीलिंग एंड एक्शन। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में आचार्य होते थे, गुरुकुल होता था, वहां पर वो पढ़ाते थे, ठीक है। तो वो बस जो पेड़ के नीचे उस समय पढ़ाया जाता था, रामायण महाभारत में आप देखते होंगे, उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म की पढ़ाई होती थी, जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी थी वो यही था। उसमें हर किसी को अपना जो इनहेरेंट सुपर पावर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाता था, ठीक है। और उसमें ये बताया जाता था कि चिंतन
मनन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ एजुकेशन उस पर फोकस किया जाता था। देखिए अगर आपका जो एजुकेशन होगा वो रट्टाफिकेशन होगा तो वो आपके इंडिविजुअल मतलब माइंड एंड आपका जो रिफ्लेक्टिव नेचर है माइंड का उस पर नहीं जाएगा, ठीक है, वो बस मेमोरी लेवल पे ही रहेगा। ठीक, तो वो आपके इंडिविजुअल थिंकिंग को इंडिविजुअल परसेप्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में होता है, जहां पे चिंतन और मनन कराया जाता है। चिंतन होगा, मनन होगा, तभी तो स्टूडेंट अपने अंदर की आवाज सुनेगा, राइट। तो बस वही काम करना है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, ठीक है। द टीचर रोल इज टू हेल्प स्टूडेंट डिफाइन देयर ओन एसेंस, ठीक है, जो कि मैंने बताया अपनी इंडिविजुअलिटी फाइंड आउट करना इज टू डिफाइन देयर ओन एसेंस बाय एक्सपोजिंग देम टू वेरियस पाथ्स दे मे टेक इन लाइफ। अगर अर्जुन को बचपन से ही, अगर अर्जुन को जो महाभारत में अर्जुन थे उनको अगर बचपन से ही अगर तीरंदाजी की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, कुछ और चीज ही प्रैक्टिस करवाई जाती, कुछ और ही रटवाया जाता, कुछ और चीज, तो वो डिस्कवर नहीं कर पाते कि वो दुनिया के सबसे अच्छे तीरंदाज हो सकते हैं, राइट। तो बस वही चीज है, अपना एसेंस डेवलप करवाना है किसमें, एग्जिस्टेंशियलिज्म में, बाय एक्सपोजिंग देम टू वेरियस पाथ दे मे टेक इन लाइफ एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट इन विच दे मे फ्रीली चूज देयर ओन आइडिया, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन का एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होता है कि वो अपना किस चीज में वो बेस्ट है खुद चूज कर सके अपने माइंड को एक्सप्लोर करके, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो देखिए कौन कौन सा टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूडिनल स्किल्स। तो पर्सनालिटी टेस्ट तो बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है, आप कितने इंट्रोवर्ट हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, आप कितना ज्यादा आप में सेंसिटिव बिहेवियर है, ठीक है, ये सारे एक तरह के टेस्ट होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट आर नॉट मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, ओके। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट भी, एप्टीट्यूड टेस्ट देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूडनल स्किल्स, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेस्ट। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है कि आप एज अ पर्सन, ठीक है, आप जो हो वो अगर आपको किसी सिचुएशन में डाला जाए, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाए, तो आप कितना अपना दिमाग लगाओगे, कितनी आपकी एबिलिटी है, कितना आप में मतलब जुगाड़ है कि आप उस चीज को सॉल्व करके उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल पाओ। दैट इज व्हाट इट्स सिंपली टेस्टेड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आजकल किसके थ्रू देखा जाता है, वर्बल एंड रिटन, जो कैट का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसके थ्रू, उसे भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो वो क्या है कि वो आपको एक सिचुएशन में डाल रहे हैं, आपके ये स्किल्स चेक कर रहे हैं, उस स्किल्स के थ्रू आप उस सिचुएशन में, वो एग्जामिनेशन का सिचुएशन है, उसमें आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, आपका माइंड कितना अच्छे से खेलता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है। देखिए एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज एन एग्जाम यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल स्किल और प्रोपेंसिटी टू सक्सीड इन अ गिवन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी अगर आपको दी जाएगी तो आप उसमें कितना ज्यादा सक्सीड कर सकते हो, ये फाइंड आउट करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट अज्यूम दैट इंडिविजुअल हैव इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्टूडेंट के पास अपना अंदर का कुछ वीकनेस होता है, कुछ स्ट्रेंथ होता है, दे हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड सक्सेस और फेल्यूर, ठीक है, कि हर इंसान का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, क्योंकि कितना मेरे पास अंदर डिजायर है जीतने की या फिर डिजायर नहीं है, तो वो सारा उस टेस्ट से फाइंड आउट किया जाता है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज में सक्सीड कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। इन स्पेसिफिक एरियाज बेस्ड ऑन देयर इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, नोट दैट एन एप्टीट्यूड टेस्ट डज नॉट टेस्ट नॉलेज और इंटेलिजेंस, ठीक है। आप हमेशा इस चीज को याद रखिए, जो टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट करती है वो दूसरा होता है, उसे अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो आपका नॉलेज और इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट आपका नॉलेज चेक कर रही है, पेपर टू में आपका नॉलेज चेक होता है, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, तो दैट इज नॉट एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। लेकिन कैट का एग्जामिनेशन हो गया, जिसमें आपका वर्बल मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि एक तरह से ओवरऑल फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आपके अंदर कितनी प्रोपेंसिटी है सक्सीड करने की, ओनली पर्टिकुलर स्किल ऑफ प्रोपेंसिटी, therefore it is not a test for which a person can study, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको हमेशा पढ़ना ही हो जरूरी नहीं है, ऐसा बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। डिपेंड्स, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर, देखिए स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम में क्या होता है, फोकस जो रहता है वो स्टूडेंट पे रहता है, ठीक है,
जितने भी स्टूडेंट है फोकस उसी पे रहता है कि वो रेसिप्रोकेट करें, वो समझे, वो कम्युनिकेट करें, वो क्वेश्चन पूछे और राइट. तो इसमें क्या होगा कि एंगेजिंग द एंटायर क्लास, एंगेजिंग द एंटायर क्लास जरूरी नहीं है. ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट सेंट्रिक हो टीचर सेंट्रिक हो एंगेज तो करना ही एंटायर क्लास को. रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज नो, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर नो, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो बिल्कुल ए पॉइंट नंबर ए, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास में हमें हर स्टूडेंट पे ध्यान देना है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं. हमारा आंसर हो जाएगा एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसे समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक बच्चे पे ध्यान देना है. नेक्स्ट 13, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ लो स्टेक ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट गाइड्स टीचर एंड लर्निंग टाइड डायरेक्टली टू बोथ करिकुलम एंड स्टेट्स हाई स्टेक समेटिव टेस्ट. देखिए हमने फॉर्मेटिव देखा, हमने समेटिव देखा, ठीक है. तो फॉर्मेटिव जो होता है वो हम बीच बीच में एग्जाम में हम करिकुलम के बीच बीच में लेते हैं, समेटिव करिकुलम के लास्ट में लेते हैं, ईयर एंड में लेते हैं. तो स्टेट्स हाई स्टेक समेटिव टेस्ट मतलब स्टेट हाई स्टेक समेटिव टेस्ट मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू योर स्टेट, ठीक है. गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहता है. तो हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ लो स्टेक ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो अगर समेटिव प्लस फॉर्मेटिव, सिंपली इस क्वेश्चन यही बोल रहा है कि समेटिव प्लस फॉर्मेटिव अगर दोनों हो तो उसे क्या बोलते हैं, अगर दोनों तरह का असेसमेंट हो. इट इज अ हाइब्रिड ऑफ लो स्टेक ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी है, ठीक है. प्लस जो ऑनगोइंग फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, वो गाइड करेगा कि टीचिंग कैसी हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं, और लास्ट में समेटिव स्टेटमेंट से बच्चे ने ठीक से सीखा कि नहीं. तो ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, फॉर्मेटिव और समेटिव को, तो वो कौन सा टाइप ऑफ असेसमेंट होता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरिम असेसमेंट, पॉइंट नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इंटरिम असेसमेंट, इट इज अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट डिफरेंट इंटरवल ड्यूरिंग द स्कूल ईयर टू चेक स्टूडेंट्स ग्रास्प ऑन कंटेंट एंड गाइड फ्यूचर इंस्ट्रक्शन. दे टिपिकली फॉल बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरिम स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मेटिव और समेटिव स्टेटमेंट के बीच में होता है. ओके, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इन्फ्लिबनेट, इन्फ्लिबनेट का हेडक्वार्टर किधर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कहां पर है इन्फ्लिबनेट का हेडक्वार्टर, या तो देखिए इन्फ्लिबनेट जो है उसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, राइट. इन्फ्लिबनेट इसका मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क. ये क्या है, ये एक्चुअल में इन्फ्लिबनेट क्या है, इन्फ्लिबनेट एक लाइब्रेरी का नेटवर्क है, ठीक है. जितना भी दुनिया में इंफॉर्मेशन है और जितनी भी दुनिया में बुक्स है सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है. इट स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट इन 1991, रिसेंट है, ठीक है. और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 1996 इट बिकेम्स अ यूजीसी सेंटर. तो ये यूजीसी का सेंटर भी है इन्फ्लिबनेट. ओके, मिशन क्या है इन्फ्लिबनेट का, मिशन ऑफ इन्फ्लिबनेट इज टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज. इन्फ्लिबनेट प्रोवाइड सीमलेस, रिलायबल एंड यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस मतलब कॉमन एक्सेस टू स्कॉलरली पीयर रिव्यूड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस. तो जितने भी स्कॉलर रिसोर्सेस हैं, जितने भी पीयर रिव्यूड ई रिसोर्सेस है, ठीक है, इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्सेस आपको सीमलेसली मतलब बिना किसी रिकावट के भरोसेमंद और कॉमन एक्सेस आपको मिल जाएगा इन्फ्लिबनेट में. यू कैन चेक ऑन इट्स गूगल पेज, कभी आप www.inflipnet.com में जाकर के देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुजरात अहमदाबाद में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन, द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, ठीक है. दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट. देखिए हायर एजुकेशन का पर्पज क्या होता है, हायर एजुकेशन, किसी ने बीटेक किया होगा, किसी ने बीई किया होगा, किसी ने बीकॉम किया होगा, तो उसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट. बिल्कुल सही है, ठीक है, एजुकेशन का पर्पस तो ये है ही, ठीक, बिल्कुल. उसके बाद दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, नो, पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज नॉट टू इंश्योर जॉब प्लेसमेंट. ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, पर्पस नहीं है. वो बोलते हैं ना कि काबिल बनो, काबिलियत झक मार के पीछे आएगी, वो वही बस वही वाला चीज है कि पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज आपको काबिल बनाना. हायर एजुकेशन आपको काबिल बनाना चाहती है, उसके कारण जब आप काबिल बन जाओगे तो जॉब प्लेसमेंट अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है. इसीलिए हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा कि एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, नो, इट दीज एबिलिटीज इंश्योर दैट यू डेवलप एज अ
एनरिच्ड इंडिविजुअल एंड इन टर्न यू विल गेट अ जॉब प्लेसमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स. या 16, टीचर हु आर पैशनेट इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन. ठीक है, टीचर्स हु आर पैशनेट इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन, वो लोग क्या क्या करते हैं? तो दे इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओके, बिल्कुल इन्वॉल्व करते हैं, अगर पैशनेट है तो इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है, वो चाहेंगे कि स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछे, हम रिप्लाई करें, स्टूडेंट रिप्लाई करते रहे तो उनको अच्छा लगता है. ठीक है, ऑफन लैक डीपर इनसाइट ऑफ स्टूडेंट कॉन्टेंट. ओके, ये तो नहीं होगा. अगर अगर वो पैशनेट है तो दे शुड नॉट लैक डीपर इनसाइट ऑफ स्टूडेंट कॉन्टेंट. यूज प्रिवोलस एग्जाम्पल टू होल्ड स्टूडेंट. प्रिवोलस मतलब झूठ मूठ का ऐसे चमकदार एग्जाम्पल. ठीक है, जो कि इरेलेवेंट हो लेकिन बस अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो हम एग्जाम्पल देंगे बच्चों को. बस बच्चों को थोड़ा देर के लिए मजा आए उसके लिए. टू होल्ड स्टूडेंट नहीं, ये भी गलत है. ठीक है, एक आइडियल टीचर को फालतू का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए. ठीक है, बस इंटरेस्ट लाने के लिए यूजलेसली, और उसके बाद उनको एक इंसाइट होना चाहिए कि स्टूडेंट कॉन्टेंट का. ठीक है, स्टूडेंट कॉन्टेंट मतलब स्टूडेंट कहाँ से है, उसे वो लैंग्वेज जो टीचर यूज कर रहा है समझ में आ रही है कि नहीं, स्टूडेंट का लेवल क्या है, वो सारा कुछ पता होना चाहिए. ये दोनों गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 17, प्राइमरी देखिए दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. देखिए यूजीसी नेट क्या चेक करता है, यूजीसी नेट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करता है. प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज, प्राइमरी ड्यूटी क्या है. और देखिए सारा जो है कोई भी ऑप्शन आपको गलत नहीं लगेगा. ठीक है, कुछ कम गलत, कुछ ज्यादा गलत, ऐसा ही कुछ कम सही कुछ ज्यादा सही लगेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा. रेज द इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट, ये भी सही है. इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट, इसको हम फॉर द टाइमिंग एलिमिनेट कर सकते हैं. फिजिकल स्टैंडर्ड का टीचर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. हेल्प इन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है. ठीक है, इम्बाइव वैल्यू सिस्टम इन स्टूडेंट, ये भी सही है. ठीक है, तीनों ही सही लग रहे हैं और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है, तो आप किस पे टिक करेंगे, आप किस पर टिक करेंगे इसमें. तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट नंबर सी. ठीक है, हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट क्यों होगा. अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो इसमें ये इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड भी सीम आ गया. प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज नॉट ओनली टू रेज द इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, ये है प्लस कंटेंट मास्टरी. ठीक है, जो बच्चा है वो टीचर से पढ़ने के बाद उसे कंटेंट भी समझ में आ जाना चाहिए, वो तो इसमें मिसिंग है. ठीक है, तो हेल्प राउंड डेवलपमेंट में ये आ जाएगा, कंटेंट भी आ जाएगा, इम्बाई वैल्यू सिस्टम भी आ जाएगा ऑलराउंड में. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज नॉट ओनली टू इम्बाई वैल्यू सिस्टम प्लस ऑल्सो टू इंश्योर दैट कि कंटेंट भी समझ में आ गया और उसके इंटेलेक्चुअल लेवल में भी इंक्रीमेंट हुआ, ये सब कुछ है. ठीक है, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज क्या क्या, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड हाई हो, कॉन्टेंट की अंडरस्टैंडिंग हो, वैल्यू सिस्टम भी हाई हो. ठीक है, तीनों ही है, वो तीनों किस में आ जाएगा, पॉइंट नंबर सी में. या एट वॉट एवर लेवल, कहीं भी कभी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर क्या होगी, कभी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर यही होगी टू मेक एजुकेशन बेटर इन कैरेक्टर एंड लर्निंग. मतलब आपको सीखना तो है ही, साथ ही साथ आपका कैरेक्टर में भी इंक्रीमेंट हो. ठीक है, आप एक अच्छे इंसान बने, आपके मोरल वैल्यूज रहे, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइमरी. वो whosoever the has passion for teaching must be total role model, जिसको भी पढ़ाने का पैशन हो वो टीचर स्टूडेंट उसको एक रोल मॉडल की तरह देखें. ठीक है, तो रोल मॉडल की तरह देखेंगे तभी इनफैक्ट कैरेक्टर बिल्ड होगा. ठीक है, रोल मॉडल की तरह नहीं देखेंगे तो सिर्फ लर्निंग होगी, बस कंटेंट मास्टरी होगा, स्टूडेंट उसे कंटेंट सीख लेंगे. जब स्टूडेंट उसको एज अ गुड पर्सन देखेंगे ही नहीं तो उसको कॉपी कैसे करेंगे, उसका उसके अपने आप को भी अच्छा पर्सन कैसे बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव. माइक्रो टीचिंग के बारे में हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले. माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव होती है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल सही. ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, ऑलवेज. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी. जब टीचिंग की प्रैक्टिस हम करवा रहे होते हैं, जब हम टीचिंग की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो हम माइक्रो टीचिंग का यूज करते हैं. माइक्रो टीचिंग के थ्रू हम टीचिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, टीचिंग की प्रैक्टिस के बाद हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा इसको यूज नहीं करते हैं, हम बस प्रैक्टिस कराते समय यूज करते हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे.
ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचर, तो ड्यूरिंग द टीचर प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टीचर प्रैक्टिस, ये बस ये सेंटेंस ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा हो गई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ये नहीं आना चाहिए, तैयारी हो रही, टीचिंग प्रैक्टिस की तैयारी होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें देखा जाएगा कि ब्लैक बोर्ड क्लीन है कि नहीं, ठीक है, बच्चे आए हैं कि नहीं, चॉक है कि नहीं, वो सारा कुछ होगा प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस हम माइक्रो टीचिंग का यूज करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेथड ऑफ टीचिंग इनकरेजेस द मैक्सिमम यूज ऑफ सेंसेस। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूजीसी नेट आपको चाहती है कि आपको पता चले, देखिए वो ये है कि जो जो भी टीचिंग मेथड में मैक्सिमम यूज ऑफ सेंसेस होता है, ठीक है, वो टीचिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। आप बस देख रहे हो, सबसे कम सीखोगे, ठीक है। अगर आप देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, थोड़ा ज्यादा सीखोगे, ठीक है। अगर आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, टच भी कर रहे हो, थोड़ा और ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सेंसेस का यूज करोगे उतना जल्दी सीखोगे। तो विच मेथड ऑफ टीचिंग एनकरेजेस द यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, तो इसमें बस क्या होगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ स्टडी नहीं होगा, टीम टीचिंग नहीं होगा, क्लियरली लेबोरेटरी मेथड होगा। लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं, हर किसी ने लैब में काम किया, लेबोरेटरी मेथड में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, ठीक है। देखिए लेबोरेटरी टीचिंग अज्यूम्स द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन ऑब्जर्वेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ साइंस इज सुपीरियर टू अदर मेथड ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि मैंने बताया कि जहां पे मैक्सिमम सेंसेस यूज होता है वो सुपीरियर होता है, है ना, इसीलिए इज सुपीरियर टू अदर मेथड ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक। जितना ज्यादा सेंसेस यूज होगा वो मेथड उतना ज्यादा सुपीरियर होगा, रिमेम्बर इट, ठीक। इस ये कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, हम टीचिंग एड्स का क्यों यूज करते हैं। तो टीचिंग एड का यूज करने का मतलब ये है कि जो लर्निंग है वो इंगेजमेंट, हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करें, जो लर्निंग लेवल है वो, जो लर्निंग है वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लाएं, इसलिए हम टीचिंग एड यूज करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन नहीं है, स्टूडेंट का अटेंशन तो टीचर थोड़ा शाउट करके भी ले सकता है, राइट, नहीं है। मिनिमाइजिंग डिसिप्लिन नो, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट ओके, और इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग क्लास, देखिए दोनों ही सही लग रहा है ना, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। तो आप ये देखिए टीचिंग एड्स का जो यूज है वो क्या सिर्फ इसके लिए, मतलब लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या सिर्फ ओनली एंड ओनली टीचिंग एड ही रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं। लर्निंग आउटकम ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जिसमें कि टीचिंग एड भी एक है। लर्निंग ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम में आपको ये देखना है कि आपने प्रेजेंटेशन ठीक से बनाया है कि नहीं, जो बच्चे को पढ़ाना है, आपका वॉइस कैसा है, आप ठीक से समझा पा रहे हो कि नहीं, और आप टीचिंग एड को ठीक से यूज कर पा रहे हो कि नहीं, इन सब पे डिपेंड करता है लर्निंग आउटकम, इसीलिए ये नहीं होगा जस्ट। और लेकिन ये जो है इस काम के लिए, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग क्लास, इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एड का ही यूज किया जा सकता है और कोई चीज यूज नहीं हो सकती। टीचिंग एड का सिर्फ और सिर्फ अकेला यही पर्पज है, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग क्लास, ठीक है। देखिए मैं अभी ये मैं फिर से एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कर्सर में यूज कर रही हूँ, ये कर्सर में इसको इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि इस पॉइंट से आप इफेक्टिवली एंगेज हो जाए, ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये भी एक तरह का टीचिंग एड है जिसको मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर आपको एंगेज करने के लिए, राइट। The benefit of teaching aid include helping learner improve reading comprehension skill, illustrating or reinforcing a skill or concept, differentiating instruction and relieving anxiety or boredom, okay? हाँ ठीक है, बोर नहीं फील होगा, relieving anxiety, presenting information in a new and exciting way, right? तो बस वही है। 21. Which of the following is the best method of teaching? देखिए UGC NET आपसे क्या चाह रहा है, UGC NET में ये question आया हुआ था, ठीक, बस वही चाहता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। देखिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या नरेशन। तो जिसका हिंट मैंने अभी दे दिया था कि बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग वही होगा जिसमें मैक्सिमम सेंसेस का यूज हो, ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज हो। तो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज इसमें किसमें हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है।
जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, ठीक है, देखो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, एन एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू बाय गिविंग प्रूफ और एविडेंस। हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। एक छोटा सा पावर प्लांट है हमारे पास, उसे बता रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम तो हम बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे खुद से ट्राई करके भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, इतना पानी डाल रहे हैं तो इतना टर्बाइन रोटेट हो रहा है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छा रही है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे ज्यादा देखते हैं लेक्चर। देखिए लेक्चर में क्या, तो आपको पता है ओरल प्रेजेंटेशन होता है इंटेंडेड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन टीचर्स टीचर्स पीपल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेक्चर के बारे में मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ अपने लास्ट टू सेशन में। और देखिए इन एब्सेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, अगर ऑप्शन में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया हुआ रहता तो आपके लिए क्या हो जाता, डिस्कशन मेथड आंसर हो जाता, ठीक है। डिस्कशन में भी क्या होता है, डिस्कशन के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक एक पॉइंट। डिस्कशन में क्या होता कि बच्चे आपस में बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अपने कंफ्यूजन आपस में दूर करते हैं और एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि कौन कितना समझा कितना नहीं, ठीक है, और डिस्कस करके कोई प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन निकालते हैं, अप्रोच समझते हैं। तो वो डिस्कशन भी एक अच्छा मेथड है लर्निंग का, बट आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक, और लेक्चर सबसे लास्ट में आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन जून 2014। मैंने बताया था यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन, इसका आंसर होगा मैक्रो भी दिया हुआ है, टीम टीचिंग भी दिया, कॉपरेटिव भी दिया, ये दोनों बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टीम टीचिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, देखिए जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, हम सभी पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, क्यों, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में, 100% चांस है, ठीक है। देखिए रिफॉर्मिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, स्टूडेंट को डिसिप्लिन बनाना है, डेवलप इनहेरेंट एबिलिटीज और पावर ऑफ स्टूडेंट या मेकिंग स्टूडेंट फॉलोअर ऑफ टीचर्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि बस हम जो टीचर है हम उसको स्टूडेंट उसको आंख बंद करके फॉलो करते रहे, नहीं बिल्कुल भी नहीं होता ये। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ये होगा, एजुकेशन का मतलब ये है कि हर एक बच्चे की जो इनहेरेंट एबिलिटी है, इनहेरेंट मतलब अंदर की, इननेट नेचुरल, ठीक है, जो नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल पावर है, वो डेवलप हो, ठीक है। कोई भी बच्चा एक कुएं का मेंढक बन के ना रह जाए, ठीक है, उसको जितना भी कुछ अचीव कर सकता है जीवन में, जितना भी कुछ पा सकता है, उसके जो भी सपने हैं, जितना भी वो मैक्सिमम अचीव कर सकता है वो करे, ठीक है, उसकी इनहेरेंट एबिलिटी, इनहेरेंट पावर डेवलप हो, ठीक है, उसकी पावर डेवलप हो, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप हो, उसके लाइफ के गोल्स डेवलप हो, यही है मेजर ऑब्जेक्टिव किसका, एजुकेशन का, ठीक है। पॉइंट नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, ये नहीं है। और अगर ये होगा तो अल्टीमेटली रिफॉर्मिंग ऑफ सोसाइटी तो बाद में खुद से हो ही जाएगा, जब हर कोई एजुकेट हो जाएगा तो सोसाइटी रिफॉर्म हो ही जाएगा, बट बेसिक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो है ये, ठीक है। और सी का आउटकम हो जाएगा ए, ठीक है, हर कोई एजुकेशन एजुकेटेड होगा तो सोसाइटी खुद से रिफॉर्म हो जाएगी, तो इसीलिए ये दोनों आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि सारे दो चार टीचर मिल करके एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, और पढ़ाते नहीं है, प्लान भी करते हैं कोऑपरेटिवली, एग्जीक्यूट भी करते हैं कोऑपरेटिवली, और इवेलुएट भी करते हैं कोऑपरेटिवली, ठीक है, ये किसमें होता है, टीम टीचिंग में। तो इसका एडवांटेज क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर। देखिए सारा ही ऑप्शन सही लग रहा है, क्या होगा आंसर, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में, ठीक है, कभी कभी पता नहीं चलता सारे ऑप्शंस कुछ कम या ज्यादा सही लगते हैं। तो हाँ सॉरी, क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एडवांटेज, नॉट एन एडवांटेज, ठीक है, नॉट एन एडवांटेज, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये एक एडवांटेज है, ठीक है। जब टीम टीचिंग होती है तो तीन चार टीचर होते हैं, तो हम सारे टीचर का जब यूटिलाइज करते हैं तो ऑब्वियसली बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। एक ही टीचर को यूज करते हैं तो बाकी तीन टीचर खाली बैठा रहता है, उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो हम इनको भी लगा दिए कि नहीं आप चारों टीचर मिल करके पढ़ाइए, तो क्या होगा, तो चारों टीचर इंगेज होंगे और उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा, बेटर प्लानिंग, चारों मिलकर अगर प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली बेटर प्लानिंग होगी, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है,
जो टेक्निक्स होते हैं, टीचर टीचिंग के जो टेक्निक्स होते हैं वो बेटर यूज होगा, ठीक है। हर कोई अपना अपना जो बेस्ट टीचिंग टेक्निक होगी वही पढ़ाया जाएगा, उसी से कराया जाएगा, राइट। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर्स, ये नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये एडवांटेज नहीं है टीम टीचिंग का, फाइनेंशियल बेनिफिट की बात ही नहीं आती, ठीक है। टीम टीचिंग का हमारा गोल ये है टीचर कोऑपरेट करे और लर्निंग इफेक्टिव हो, गोल तो हमारा यही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट की बात ही नहीं आती, हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। अ गुड टीचर मस्ट बी, सब में रिसोर्सफुल है, तो गुड टीचर को ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऑथोरिटेटिव भी नहीं होना चाहिए, डोमिनेंट भी नहीं होना चाहिए, गुड टीचर मस्ट बी पार्टिसिपेटिव, ठीक है। गुड टीचर को पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज, देखिए क्लासरूम टीचिंग में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन किसे बोला जाता है, सर्कुलर, रेसिप्रोकल, डायरेक्शनल, इन्फ्लुएंशियल, क्या होगा? सर्कुलर कम्युनिकेशन मतलब बस ये, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट पूछ रहा है, टीचर जवाब दे रहा है, बस एक ही स्टूडेंट पूछ रहा है, एक ही जवाब दे रहा है, नहीं होगा। रेसिप्रोकल, डायरेक्शनल, इन्फ्लुएंशियल, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि रेसिप्रोकेट करो, अगर मैं भी अभी कह रही हूँ दैट यू हैव टू रेसिप्रोकेट टू मी, मतलब कि हम जो जो भी पढ़ा रहे हैं आप उस पर रिस्पॉन्ड करते जाओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, मतलब जो भी मैंने कहा आपको उसका एक्शन देना है, आपको शो करना है अपने बिहेवियर में दैट यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। या तो यस करके, या तो नो करके, या फिर आप कह सकते हो कुछ एग्जाम्पल दीजिए, राइट। तो रेसिप्रोकेट करना, कभी कभी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ऑल्सो नॉट इन टीचिंग, इन नॉर्मल लाइफ अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि आई एम टेलिंग यू समथिंग प्लीज रेसिप्रोकेट, मतलब जवाब दो, रेस्पॉन्स दो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, बच्चे मोटिवेटेड हैं और एंगेज्ड हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल। डायरेक्शनल इज वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंसियल बस आपको ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन टिप्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए उसके कुछ कुछ टिप्स हैं। वर्बल टेक्निक्स हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, नॉन वर्बल टेक्निक हेल्प योर ऑडियंस बी रिसेप्टिव टू व्हाट यू आर सेइंग। बहुत बार क्या होता है कि आप वर्बल टेक्निक भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप एक के बाद एक के बाद टॉपिक समझा रहे हो, कभी कई बार आप नॉन वर्बल टेक्निक भी यूज करते हो, ठीक है। कोई बच्चा नहीं सुन रहा है क्लासरूम में, आप उसको स्टर्न लुक दे सकते हो, गुस्से से देखोगे वो समझ जाएगा, ठीक है। कोई अगर बच्चा अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा तो आप स्माइल करोगे, ठीक है, स्माइल करोगे, बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं मैंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो टीचर इज हैप्पी दैट आई एम लिसनिंग, राइट। नॉन वर्बल टेक्निक भी क्या करता है, वो भी जरूरी है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, ओके। फिर मीडिया हेल्प्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज, इसको आप हटा दीजिए अभी। ऑर्गेनाइज द क्लास, ठीक है, क्लास आपकी ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए बिल्कुल। यू हैव टू क्लैरिफाई द पर्पज और गोल ऑफ द क्लास, ठीक है, यू हैव टू क्लैरिफाई द पर्पज और गोल ऑफ द क्लास। यहाँ पर मीडिया का मतलब होगा यहाँ पर वो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स मतलब पढ़ाने में कोई अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो ऑडियो विजुअल यूज का आप ऑडियो विजुअल एड्स का आप यूज ले सकते हो, ठीक है। या वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट लाइन इज, एजुकेशन किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है, ये तीनों लिस्ट क्या होती है? देखिए यूनियन लिस्ट वो होती है जो जिस टॉपिक में डिसीजन सिर्फ सरकार ले सकती है, ठीक है, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बस डिसीजन ले सकती है, वो आ जाएगा यूनियन लिस्ट। जैसे कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होगा, ये डिसीजन किसने लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल कम्स इन यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होगा, स्टेट लिस्ट में ये होगा कि जो जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है वो होगा स्टेट लिस्ट में, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट में मान लीजिए कि कुछ इनॉग्रेशन करवाना है या कुछ प्लांट लगवाना है, एजुकेशन जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, ठीक है, और या कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज करवाने हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्कूल्स ओपन करवाने हैं, तो वो सारा जो है वो किसमें है, यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, जिसमें जो कि
दोनों में है, जिसके लिए स्टेट भी डिसीजन ले सकती है और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, देखिए 1976 से पहले एजुकेशन किसमें थी, स्टेट लिस्ट में थी। 1976 में इट वॉज एडेड टू कॉन्करेंट लिस्ट। 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर मिल गया कि वो अमेंड कर सके इसको। पहले क्या थी, पहले वो स्टेट लिस्ट में थी अंडर आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में। ठीक है, अब देखिए राइट टू एजुकेशन किसमें है, आर्टिकल 21A, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन किसमें है, आर्टिकल 51A में। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 से शुरू होती है। ठीक है, आर्टिकल 21 में। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का 66 अमेंडमेंट हुआ था। यहाँ पर मैं दो अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ। पहला था 1976 का अमेंडमेंट जिसमें कि इट वाज एडेड टू कंकरेंट लिस्ट। फिर 66 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उसमें क्या हुआ था, देखिए उसमें आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 एज अ फंडामेंटल राइट। 2002 से पहले ये नहीं था। 2002 से पहले आर्टिकल 21A लाया गया जिसमें था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे का राइट है बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 6 to 14। अगर आप अपनी सड़क पे देखते हैं कि कोई चाय का बच्चा है, चाय बेच रहा है बच्चा 10 साल का, तो उस बच्चे को मालूम नहीं है कि उसके पास एक राइट है जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उसे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। बच्चे को पता ही नहीं रहता और वो चाय बेचता रहता है। ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 राइट। या क्वेश्चन नंबर 28, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली इज। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कॉग्निटिव अफेक्टिव सिलेक्टिव। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर सबका मीनिंग पता हो तो। सिलेक्टिव पता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन सिलेक्टिव क्यों होगा, सिलेक्टिव का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, इफेक्टिव मतलब टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो मतलब ये पूरा मतलब मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका। अब बचा कॉग्निटिव और अफेक्टिव। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू योर माइंड, रिलेटेड टू योर ब्रेन, रिलेटेड टू योर थिंकिंग। ठीक है, और अफेक्टिव मतलब क्या होता है, अफेक्टिव मतलब रिलेटिंग टू योर इमोशन, योर फीलिंग। ठीक है, इफेक्टिव मतलब, अफेक्टिव मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, योर फीलिंग। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होती है उसका बेसिस होता है कि आपके माइंड में जाए, आपके ब्रेन में जाए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करे आप। ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब इसीलिए वो कॉग्निटिव होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन आपको इमोशनल, आपके फीलिंग्स के पे डायरेक्टली तो आपको वहां पे जाकर के तो बात नहीं करता। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन ये सारे टर्म भी इरेलेवेंट है। हमारा आंसर क्या होता है, वो कॉग्निटिव विच इज रिलेटेड टू माइंड। ठीक, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, मैंने पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था डिसलेक्सिया क्या होता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक तरह का डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है, हमने पढ़ा था। ठीक है, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या था, राइटिंग डिसऑर्डर। ये क्या था, राइटिंग डिसऑर्डर था डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया क्या था, रीडिंग डिसऑर्डर। ओके, 30, द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज बीन असाइन बाय द MHRD टू। देखिए MHRD ने ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेड कोर्सेस, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए ई कंटेंट जनरेट करना है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जो भी लोग हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में क्या क्या हो जाएगा, 10th 12th डिप्लोमा, तो उनके लिए ई कंटेंट जनरेट करने का काम MHRD ने किसको दिया है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। एकदम याद रखिए, इस CEC से आपको क्या समझ में आना चाहिए, MHRD। सबसे पहले इट हैज बीन असाइन बाय द MHRD और MHRD ने इसको क्या बोला है, MHRD ने इसको बोला है कि भाई तुम ई कंटेंट जनरेट करो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, देखिए द कंसोर्टियम फॉर CEC जो है वो किसने स्टैब्लिश किया था, UGC ने। ठीक है, CEC को स्टैब्लिश किया था UGC ने और इसको बोला है MHRD ने कि तुम कंटेंट जनरेट करो। ठीक, CEC has been established with the goal of addressing the need of higher education through powerful medium of television. ठीक है, along with appropriate use of ICT. CEC का काम क्या है कि हम किसको किसको यूज करें, TV को यूज करें along with ICT, television और ICT को हम यूज करें। ICT information communication technology. ठीक है, TV में कभी कभी जो भी
एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं वो आई थिंक सीसी ही ऑर्गेनाइज करते हैं. सीसी एमर्ज्ड इन 1993 एज अ नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट गाइड एंड फैसिलिटेट सच एजुकेशनल प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल. टुडे देखिए आज के डेट में 21 मीडिया सेंटर वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीसी. आज के डेट में इतने मीडिया सेंटर हैं जो काम कर रहे हैं कि टीवी में आईसीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे 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 हायर एजुकेशन के नीड को एड्रेस करना है. जो भी टीवी में प्रोग्राम आते हैं सीसी उसमें हेल्प करता है. ठीक है. एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी ऑर्डर्ड बाय एमएचआरडी टू डेवलप ई कंटेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस. राइट. नेक्स्ट 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. किससे पता चल रहा है कि मोटिवेटेड टीचिंग है, बच्चों में मोटिवेशन हो रहा है, बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं. ठीक है. स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, नहीं. जिसको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लेना है वो भी नोट्स बना सकता है. पिन ड्रॉप साइलेंस इन क्लासरूम, मतलब बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है. मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, हो सकता है बच्चों को डर हो कि मैक्सिमम अटेंडेंस घर वाले सभी भेज रहे हैं कि जाओ स्कूल, ये भी नहीं होगा. स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन ऑलवेज. रेसिप्रोकेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है. बच्चे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बता रहे, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो पता चलता है कि जो टीचिंग है वो मोटिवेटेड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन लर्निंग. ठीक है. टीचर्स रोल, टीचर के रोल में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है. डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस. ठीक, सही है, बिल्कुल सही है. डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट व्हाट कंस्टिट्यूट द पिटफॉल्स एंड डेंजर्स टू बी अवॉइडेड. द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट. द प्रोविजन ऑफ कॉन्टिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल हेल्प. टीचर का रोल क्या होता है लर्निंग में, टीचर का रोल लर्निंग में क्या होता है. लर्निंग कब होती है, लर्निंग जब टीचिंग खत्म हो जाती है तब लर्निंग होती है, जब पढ़ाई हो जाती है. ठीक है. उसके बाद जो रिटेन हो जाता है दिमाग में, जो बिहेवियर में चेंज आ जाता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं. ठीक है. फिर द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है. मतलब कि एडिक्वेट परफॉर्मेंस अगर हुआ है किसी बच्चे का, तो उसके इनसाइट में कुछ डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके बिहेवियर में, उसके सोच में, उसके थिंकिंग में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तभी वो एडिक्वेट परफॉर्म कर पाया है. यही होता है एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन लर्निंग. ठीक है. व्हाट कंस्टिट्यूट द पिटफॉल्स एंड डेंजर टू बी अवॉइडेड, ऐसे ही लिखा है. द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट. ठीक है. मोरल सपोर्ट का प्रोविजन है, प्रोविजन का तो यहाँ पर बात नहीं आता है. ठीक है. स्टिल ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन पॉइंट नंबर ए से हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जा रहा है कि टीचर का रोल लर्निंग में यही होता है कि इनसाइट को डेवलप करना जिससे वो एडिक्वेटली परफॉर्म कर सके. ऐसा इनसाइट डेवलप करना कि जब उसका परफॉर्मेंस हो तो एकदम एडिक्वेट हो. ठीक है. 32 द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग. लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट पर्पज क्या होता है. पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट. ये तो सबसे पहले आपको कैंसिल करना है. ये कहीं भी आप ऐसा टिक मार्क कीजिएगा यूजीसी नेट एकदम गुस्सा हो जाएगा. तो प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट ये कभी भी अप्रोप्रिएट पर्पज नहीं होता, एम नहीं होता, ये आउटकम होता है. ठीक है. सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस थोड़ा बहुत तो वैसे भी होगा. पर्सनल एडजस्टमेंट आप कर भी लोगे हल्का फुल्का अगर लर्निंग है तो. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लर्निंग के बाद टीचिंग खत्म होती है तो लर्निंग होता है. लर्निंग मतलब आपने क्या रिटेन किया है, क्या सीखा, क्या आपके बिहेवियर में चेंज आया. और लर्निंग का पर्पज क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर बी. 34 द स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास. अगर आपके क्लास में कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए. इनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली. उनको बोल देंगे कि भाई तुम खुद से जाके आंसर फाइंड आउट करो. गलत है, हम ऐसा नहीं बोल सकते. एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, ये सही है. ठीक है. टीचर उसको बोलेगा कि ठीक है, यू हैव सो मेनी क्वेश्चन, दैट्स गुड, ऐसा करो आप मुझे क्लास के बाद मिलो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ. क्योंकि क्लास में उसे अब एक टाइमलाइन होता है, उसे आगे बढ़ाना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है. बिल्कुल सही है. एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चन, हम उसे क्यों इनकरेज करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए. नहीं. एडवाइस नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. एनकरेज करेंगे लेकिन बाद में,
आफ्टर द क्लास व्हेन वी विल मीट हिम आफ्टर द क्लास, तो हम उसके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। उस समय हमसे पूछेंगे कोई और क्वेश्चन है तो बताओ, लेकिन उस समय हम इसे इंकरेज नहीं करेंगे, क्लास में हम इसे इंकरेज नहीं करेंगे। While presenting your ideas in a classroom, it is better to, देखिए दिसंबर 2000 का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट क्या चाहता है आपसे कि अगर आप आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हो अपने क्लास में तो क्या करना है आपको। आप टीचर हो, अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हो क्लासरूम में, ठीक है। सपोज आइडियाज आप प्रेजेंट कर रहे हो रिलेटिंग टू डाउरी, ठीक है, रिलेटिव टू डाउरी, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज। बिल्कुल सही है, डाउरीज कितना सही है कितना गलत है, तो हो सकता है लोगों का अलग अलग व्यू हो, ठीक है, तो यू हैव टू बी ओपन टू अदर व्यूज ऑल्सो, ठीक, ये बिल्कुल सही है। रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अ होमोजीनियस मास, ठीक है, तो आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि स्टूडेंट जो है वो होमोजीनियस मास नहीं है, सब अलग अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Take dissenting views also in consideration. Dissenting मतलब disagreeing. कुछ views आपसे disagree हो सकता है, ठीक है, कुछ views आपसे disagree हो सकता है, तो आपको उसको consideration मतलब कि आपको उसको consider करना है, आप उसको consider कीजिए, ठीक है, आप उसकी बात सुनिए। कोई अगर कह रहा है कि कोई बच्चा अगर कह भी रहा है कि नहीं सर डाउरी जरूरी है, ऐसा ऐसा होता है, तो आप उसको consider कीजिए, उसके views को सुनिए, उसके बाद आप अपना point रखिए, ठीक है, आप उसको फिर समझाइए। तो आप डिसेंटिंग व्यूज को भी समझाने के लिए आपको पहले कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो वी सी दैट ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, बट ऑप्शन में ये था, हाँ, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि अदर व्यू हो सकते हैं, अगर कोई डिसएग्रीइंग व्यू है तो आपको उसको कंसीडर भी करना है, और यू हैव टू रियलाइज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अ होमोजीनियस मास, स्टूडेंट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3, ओके। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग मतलब बस सिंपल प्लेन ही है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग मतलब वो टीचिंग जो कि सीधा आपके माइंड को अफेक्ट करे, ठीक है, थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे। तो टीचिंग इज मोस्टली कॉग्निटिव ओनली, बट ये कॉग्निटिव थ्योरी भी है जिसको डेवलप किया था एनएल गेज ने डेवलप किया था। देखिए कॉग्निटिव थ्योरी में टीचिंग में क्या होता है कि कॉग्निटिव लर्निंग इज अ वे ऑफ लर्निंग दैट हेल्प्स स्टूडेंट यूज देयर ब्रेन मोर इफेक्टिवली। कॉग्निटिव लिखा है मतलब ब्रेन और माइंड का बात आएगा, तब तक दिमाग ज्यादा लगाए, ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग में। दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज एक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। कॉग्निटिव लर्निंग ऑफ टीचिंग जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इसलिए इट इनकरेजेस स्टूडेंट टू फुल्ली इंगेज इन लर्निंग प्रोसेस, सो लर्निंग थिंकिंग एंड रिमेम्बरिंग गेट इजियर, ओके। ज्यादा से ज्यादा इसमें एंगेजमेंट होता है बच्चों का। कॉग्निटिव लर्निंग इजंट अबाउट मेमोराइजिंग और रिपीटेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा मेमोराइज करें रिपीट करें, बट जबकि ज्यादा से ज्यादा हम अंडरस्टैंड करें, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज अबाउट लर्निंग हाउ टू लर्न। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, टीचर क्या क्या कह सकता है जिससे कि जो लर्निंग है वो कॉग्निटिव लर्निंग बने, कि स्टूडेंट को कुछ एग्जाम्पल देगा, स्टूडेंट को बोलेगा कि ठीक है तुम अपने लाइफ का भी एग्जाम्पल दो कि तुमने कभी कुछ ऐसा फेस किया है क्या, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉग्निटिव लर्निंग। हेल्पिंग स्टूडेंट फाइंड न्यू सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम दे दिए और बताए कि इसको नए किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तो स्टूडेंट खुद से बताएगा कि सर ऐसा प्रॉब्लम तो हम सॉल्यूशन हो सकता है, तो बच्चे ने अपना दिमाग लगाया। कॉग्निटिव लर्निंग मतलब खुद का दिमाग लगाना, बस वही। एनकरेजिंग डिस्कशन अबाउट व्हाट इज बीइंग टॉट, हेल्पिंग स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड, आस्किंग स्टूडेंट टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन देयर थिंकिंग। अगर बोलते हैं डाउरी के बारे में कह रहे हैं, मुझे बता रहे ठीक है भाई तुम ही बताओ आगे कोर्स क्या होना चाहिए फ्यूचर में, कि डाउरी बिल्कुल ना रहे, ठीक है, तो स्टूडेंट से हम खुद कह रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या है आप खुद बताइए, तो इससे क्या होता है कॉग्निटिव लर्निंग होती है। 37 एन आइडियल सिचुएशन इन अ क्लासरूम वुड बी वेयर, ठीक है, दिसंबर 2020 यूजीसी नेट आपसे क्या चाह रहा है कि आइडियल सिचुएशन इन अ क्लासरूम वुड बी वेयर, क्लासरूम का आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, अ टीचर कम्स फुल्ली प्रिपेयर टू डिलीवर हिज लेक्चर, स्टूडेंट कम फुल्ली प्रिपेयर एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विद ईच अदर, टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट, द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन व्हाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ठीक है। देखिए आइडियल सिचुएशन तो यही होना चाहिए, शुरू से देखते हैं, टीचर कम्स फुली प्रिपेयर टू डिलीवर लेक्चर, टीचर को पूरा तैयार होकर के आना चाहिए लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए, बिल्कुल सही है।
स्टूडेंट को भी पूरा तैयार होकर आना चाहिए। स्टूडेंट कम फुल्ली प्रिपेयर एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विद ईच अदर एंड टीचर्स प्रेजेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट। द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज व्हाइल लर्निंग। देखिए हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन में ए बी सी डी 1, 2, 3, 4, 2 एंड 4। तो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 तो होगा ही, 1 तो बिल्कुल ही होगा, ठीक है। तो बोथ 1 एंड 2 हमारे ऑप्शन में है और 2 भी हमने देखा होगा ही। टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट। टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट, ठीक है ये सही है, बट ये सेंटेंस सही नहीं है। टीचर डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट एंड स्टूडेंट लर्न एंड स्टूडेंट रेसिप्रोकेट। अगर ऐसा रहता तो ये ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है। टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज बाय लर्निंग, तो ये भी सही है, ठीक है, कि टीचर जो है वो ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज यूज कर रहा है, लेकिन बहुत जरूरी भी नहीं है कि हमेशा हर कोई टीचर जो है वो फैसिलिटीज को यूज करे। ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी साउंड नहीं हो रहे, लेकिन वन और टू बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है और ऑप्शन भी वैसा ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ओके, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की बुक सब हर किसी ने पढ़ी होगी। तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में, ठीक है। एनसीईआरटी का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म बिल्कुल याद होना चाहिए, उसके बाद क्या है एनसीईआरटी का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है अरविंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीईआरटी का, ऑब्जेक्टिव है टू अंडरटेक प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च, ठीक है, रिसर्च इन स्कूल एजुकेशन, प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री मटेरियल न्यूज़लेटर, मतलब स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करना, उसके बाद साथ ही साथ जर्नल्स न्यूज़पेपर मटेरियल्स वो सारा कुछ प्रिपेयर करते रहना, पब्लिश करते रहना। टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर, मतलब स्कूल का करिकुलम तो डिसाइड करना ही है, साथ ही साथ टीचर का जो ट्रेनिंग होगा उसको भी डिसाइड करना है। डेवलप एंड डिसमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस, और ऐसा नहीं कि ओल्ड एजुकेशन टेक्निक पे ही रहना है। जैसे जैसे नया नया एजुकेशनल टेक्निक टीचिंग टेक्निक आता है, टीचिंग प्रैक्टिस आता है, एजुकेशनल प्रैक्टिस आता है, तो उसको भी डेवलप करते रहना, उसको भी डिसमिनेट करते रहना, मतलब बांटते रहना, डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, समझाते रहना, ठीक है। सो दैट्स इट, बेसिक यही है एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोली हूँ बस उतना समझ लीजिए, उतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मेन पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं यूजीसी नेट में। एज अ करंट अफेयर्स भी आपको बहुत जरूरी है उसके एस्पेक्ट में भी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, टू लिंक एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट। देखिए तीनों सही लग रहा है, ठीक है, तीनों ही सही लग रहा है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो आपको तीनों ही सही लगेगा, ठीक है। लेकिन देखिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। हमारा आंसर होगा ये पॉइंट नंबर बी, मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा मैंने मेंशन कर दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, लैंग्वेज, स्पोर्ट, मैथमेटिक्स, सबको बराबर एम्फेसिस देना है, विद इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स इन स्कूल, ठीक है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई सब्जेक्ट एक दूसरे से ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा नहीं है, हर सब्जेक्ट बराबर हो जाता है। साइंस इज इक्वल टू आर्ट इज इक्वल टू स्पोर्ट्स, बस यही बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो जाएगा इंडिया में, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो। एम क्या है, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई एंड फॉस्टर यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ इच स्टूडेंट, ओके, बाय सेंसिटाइजिंग टीचर एज वेल एज पेरेंट टू प्रमोट इच स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्फीयर, ठीक है। हर बच्चे का कितना कैपेबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना, पेरेंट को सेंसिटाइज करना, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरफ से स्टूडेंट को डेवलप करना। और एनईपी 2020 से पहले जो थी पॉलिसी वो कब आई थी, 1986 में आई थी, उसके बाद अभी आई है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम इज टू
benefit children so that no child loses an opportunity to learn, ठीक है. और एनईपी का जो टारगेट है, देखिए क्या टारगेट है कि एनईपी 2020 हैज अ टारगेट ऑफ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2020. वो कह रहा है एनईपी का बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, प्लीज रिमेम्बर इट, आएगा डेफिनेटली आएगा कि एनईपी का टारगेट क्या है कि 100% एनरोलमेंट हो जाए जितने भी बच्चे हैं उनके, 100% मतलब सारे बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाए बाय 2020, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो आपको रस्ते में चाय बेचता हुआ मिले, बस सिंपल वही है, ठीक है. एनईपी हैज अ टारगेट ऑफ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2020, ओके. 40. Student can be classified into four types on the basis of their learning. Which one of the following six meaning and reasoning to learning? देखिए ये भी December 2000 का question है. December 2000 का question है. देखिए क्या चाह रहा है यूजीसी नेट आपसे. Student can be classified into four types on the basis of their learning. Student को चार तरह से divide करते हैं. Innovative, analytical, common sense, dynamic. So which one of the following six meaning and reasoning to the learning? कौन सा है जो कि जो भी लर्निंग होती है उसका मीनिंग हमने ठीक, मतलब अब कभी कुछ पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो ऐसा जानने की कोशिश करता है. इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एनालिटिकल लर्नर, ठीक है. एनालिटिकल जब भी रीजनिंग की बात आएगी ना, ठीक है, अगर रीजनिंग की बात आएगी तो एनालिटिक्स आएगा, ठीक है. देखिए एनालिटिकल लर्निंग क्या होता है. एनालिटिकल लर्नर आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग न्यू एंड एक्यूरेट फैक्ट्स that lead to their understanding of concept and process. ठीक है, analytical learning जो है वो देखता है कि हाँ ठीक है कोई concept है, अभी concept है भाई thermal power plant कैसे काम करता है, तो हम देखेंगे कि electromagnetic theory का क्या क्या application है, पूरा समझेगा. They learn by thinking through their experiences, judging the accuracy of what they encounter and examining detail. वो लोग सोचेंगे कि अच्छा पानी से हो रहा है, बट मे बी अगर पानी को गर्म कर दें या ठंडा कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, क्या उसी फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो थोड़ा सोचेंगे. तो बस वही एनालिटिकल में क्या होता है, वो अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, रीजन करते हैं कि कुछ कम बेसी करते तो क्या इफेक्ट होगा. एनालिटिक्स इसी को कहते हैं, राइट. दे एनालिटिकल स्किल्स भी इसी को कहते हैं, रीजनिंग स्किल्स को हम एनालिटिकल स्किल्स कहते हैं. दे इंटीग्रेट देयर ऑब्जर्वेशन इनटू व्हाट दे ऑलरेडी नो, ठीक है. डायनेमिक लर्नर, देखिए डायनेमिक लर्नर एक इनोवेटिव लर्नर होता है, ठीक है, और एक कॉमन सेंस लर्नर, ठीक है. कॉमन सेंस जो भी कॉमन सेंस के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है. इनोवेटिव लर्नर वो जो कुछ भी सीखता है उससे कुछ इनोवेशन करने का उसका एप्टीट्यूड रहता है. और डायनेमिक लर्नर क्या होता है, देखिए डायनेमिक लर्नर फाइट द अर्ज टू एक्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग. दे रिकॉग्नाइज दैट व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट दे नीड टू स्टॉप, थिंक, रिचार्ज एंड देन एक्ट, ठीक है. डायनेमिक लर्नर वो होते हैं, मतलब जैसा सिचुएशन हो उस हिसाब से अडॉप्ट कर सकते थे और उस हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है. कि जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाए तो दे नीड टू स्टॉप, थिंक, रिचार्ज एंड देन एक्ट. बीइंग योरसेल्फ, डायनेमिक लीडर्स डोंट ट्राई टू कन्फर्म, दे आर विलिंग टू बी द वंस हु आर स्टैंडिंग आउट, ठीक है. डायनेमिक लीडर्स को पता होता है कि कब क्या कैसे रिएक्ट करना है और दे डू नॉट कन्फर्म, मतलब कि कॉन्फर्म मतलब जैसा बोला जाए वैसा करो, एकदम वैसा नहीं है. वो अपना दिमाग लगाते हैं, दे आर विलिंग टू बी द वंस हु आर स्टैंडिंग आउट, ठीक है. वो हमेशा स्टैंड आउट करते हैं, वो अपना दिमाग लगा करके खुद अपना यूनिक एप्लीकेशन, अपने माइंड का, अपने थिंकिंग का यूनिक एप्लीकेशन करते हैं. कुछ कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जिनका डायनेमिक अप्रोच होता है, राइट, वो दे स्टैंड आउट इन द क्लासरूम, ओके. और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो एक अपने एक यूनिक सॉल्यूशन बताते हैं. तो दोज आर डायनेमिक लीडर्स, डायनेमिक लर्नर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. विद दिस